की राजधानी दिल्ली और करीबी एनसीआर इलाकों में एक बार फिर दीपावली का त्यौहार बिना पटाखों के मनाया जाएगा। यहां पटाखा बिक्री बैन पर पिछले साल लगाई गई रोक सुप्रीम कोर्ट ने बहाल रखी है। पुलिस की ओर से पटाखा कारोबारियों को दिए गए स्थायी अस्थायी दोनों लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इस साल 12 सितंबर को इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था, जिसे बहाल रखते हुए 1 नवंबर के बाद ही पटाखा बेचने की मंजूरी दी गई। 12 सितंबर 2017 को कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री को शर्तों के साथ इजाजत दी थी। वहीं पटाखा रिटेलर को चीन के पटाखों पर 35 से 50% तक का मार्जिन मिलता था, जबकि भारतीय पटाखों पर 30 से 35% का मार्जिन मिलता था। सस्ते चीनी पटाखों पर रोक लगने के बाद देसी पटाखों की कीमतें बढ़ी थी, लिहाजा इसके बाद भी इस साल पटाखों की बिक्री 25 से 30% घटने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल इस पहल का लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि पटाखों का जहरीला धुआं लोगों को बीमार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।